बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद को हूँ इंशाल्लाह आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। आज मैं रमज़ान स्पेशल में आपके साथ पिज़्ज़ा समोसा शेयर करने जा रही हूँ, चीज़ी पिज़्ज़ा समोसा। इसमें सबसे पहले मैंने स्वीट कॉर्न, आनियन, ये देखें, रेड पेपर, येलो पेपर, इन सबको हल्का सा सोते किया है, लाइट सा, उनका क्रंच बरकरार है, कलर बरकरार है, थोड़े से सॉल्ट के साथ और ग्रीन चिली के साथ। उसके लिए जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमें ये चाहिए, ग्रीन धनिया क्रस्ट वाला, और साथ में ही स्प्रिंग आनियन लॉट चाहिए। चीज़न आनियन फ्लेवर्स का जो है क्रस्प बहुत चाहिए, ये देखिए बहुत क्रस्पी है। इनको मैंने बेलन के साथ थोड़ा सा, ये देखिए उनका क्रंच भी आपको फील हो रहा होगा। किसी भी ब्रांड के दो पैक ले लें, वो ऐड कर लें। इसके साथ जो नेक्स्ट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक आपने मोज़रेला चीज़ है, मैं तकरीबन यूज़ करूँगी 1 kg के करीब, लेकिन इट्स डिपेंड ऑन योर क्वान्टिटी, उसके हिसाब से आप ऐड करें। 3 चीज़ चाहिए, ये है मोज़रेला, सॉरी दिस इज़ गौडा, दिस इज़ मोज़रेला एंड दिस इज चेदर चीज़। इन तीनों चीज़ों को हम ऐड करेंगे। चलें जी, मैं इसको पहले ठंडा कर रही हूँ ताकि ये इसमें गर्मी गर्म होगा तो वो फिर क्या होगा कि हमारी चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाएगी, हमें मेल्ट नहीं करना। बाकी सब चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं, अभी टमाटो कट करते हैं और इसको ऐड करते हैं। ये देखें जी, इस तरह से ये मेरे चेरी टमाटो मेरे गार्डन से निकले हैं, इनको मैं इस तरह से 4 पीस में काट के इसको बारीक बारीक काट लूँगी ताकि बाइट में छोटे छोटे चंक्स आए इस तरह से। ये देखें जी, तकरीबन 2 कप के करीब मैंने काट ली है बारीक बारीक से, इनको ऐड करती हूँ। अब इसमें हम ग्रीन धनिया और जो क्रस्ट है, ये भी चीज़ है आनियन फ्लेवर है, वो ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। सुभानअल्लाह, अभी हमारी वो चीज़ें भी सारी ठंडी हो गई हैं, वो जो पेपर्स थी और आनियन और टमाटो। अब हम इसमें चीज़ ऐड करते हैं। यहाँ पर मुझे क्रस्ट थोड़ी कम लग रही है तो मैं और ऐड कर रही हूँ, 1 पैक मैंने ऑलरेडी ऐड किया है। अब हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, थोड़ा सा टैप करेंगे तो ये बहुत अच्छी सी क्रस्ट हो जाएगी। ये देखिए मैंने ऐड कर दी है, अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह, फिर हम चीज़ ऐड करते हैं। अच्छा, ये सारा मिक्सचर जो है ना, इसको सैंडविच बना के भी खाएँ, ओहो बहुत मज़े का आता है टेस्ट उसका। इसमें चीज़ वगैरह ऐड करके सब कुछ और तवे के ऊपर टोस्ट करके इतना मज़ा लगता है ना उसका टेस्ट। ये देखें जी, मैंने मोज़रेला चीज़ ऐड कर ली है ग्रेट करने के बाद। यहाँ पर हमने मोज़रेला एंड गौडा आउट की ऐड की है, अब हम चेदर चीज़ ऐड करते हैं। अब हम इसमें 1 teaspoon सॉल्ट है, 1 teaspoon क्रश चिली है और 1 tablespoon एरोमेट चीज़ है, चीज़ फ्लेवर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और हम भी मिक्स करके इसको टेस्ट कर लेंगे ताकि इसका प्रॉपर फ्लेवर हो, प्रॉपर चिली सॉल्ट एवरीथिंग हो, क्योंकि मैंने पहले सब्ज़ियों में भी ऐड किए ना हल्का सा सॉल्ट, तो इस वजह से हम कम डालेंगे क्योंकि चीज़ भी सोल्टी होती है। ये देखिए जी, इसी तरह हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, यहाँ पर जहाँ भी बड़े बड़े चीज़ के चंक्स आ रहे हैं उनको ब्रेक कर लें। बेसिकली दिस इज चीज़ समोसा बट फ्लेवर विद पिज़्ज़ा, मशरूम भी ऐड कर लें अगर आपको पसंद है तो, मैंने ऐड नहीं किए।
ये देखें जिस तरह हमने फलिंग कर लेनी है। सिर्फ मसला ये है कि इसके कॉर्नर्स आपने बहुत अच्छी तरह बंद करने, ये देखें ये जो कॉर्नर्स है ना इनको दबा दबा के और फलिंग बहुत अच्छी तरीके से करनी है फल फूल। ये देखें जी इस तरह से फुल फल कह रही हूँ कि इसको बहुत अच्छी तरह आपने फलिंग करनी है, क्योंकि फ्राई होने के बाद ये बिल्कुल फ्लैट से हो जाते हैं, क्योंकि चीज़ होती है ना वो चीज़ मेल्ट हो जाती है। तो इस तरह से प्रॉपर वे फुल किए होंगे, बड़े होंगे तो फ्राई के बाद भी अच्छे रहेंगे। और फ्राई करने का तरीका मैं ये बताती हूँ कि हाई हीट पे करें, जैसे ही ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो उसका उल्टा पलटा देख उसको फ़ौरन निकालें। आपको पता है पट्टी ज़्यादा टाइम नहीं लेती और चीज़ भी फ़ौरन मेल्ट हो जाती है। अगर आप लो हीट पे इसको फ्राई करेंगे तो वो चीज़ मेल्ट होकर बाहर आने लगेगी और अंदर से तो वो खाली हो जाएगा। मेरे चैनल पे दो तीन किस्म के मैंने समोसों के सेम समोसे जो हैं इनके मैंने बताए हुए तरीके, दो तीन फ्लेवर्स डिफरेंट के, आप कोई सा भी जो सा भी आपको अच्छा लगता है वो ट्राई करें। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना इंशाल्लाह आफ्टर 3 डेज। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत सी चटपटी मज़े वाली चीज़ी सी। मुझे कमेंट्स में तो मस्त बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और ट्राई भी करें। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ही खुश होंगे घर वाले आपकी इस रेसिपी से। मैं तो एवरी ईयर बनाती हूँ, मेरा तो रमज़ान इनकम्प्लीट है जनाब इन समोसों के बग़ैर। फिर आऊँगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आने वाली है। दुआ में मुझे याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।